हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और। तो हमारा का जो वीडियो है गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, फ्री स्कीमेटिक डायग्राम टूल। तो फ्री में, जी हाँ, ये टूल मैं आपके लिए पूरा डिटेल के साथ कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। देखिए, फ्री में टूल है तो जितना मिल रहा है तो उतना तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल चलिए मैं आपको बता दूं कि इस टूल को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें है, और एक्चुअल में ये फ्री में है कि नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको इसी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको आप बहुत इजी तरीके से केवल डाउनलोड कर दोगे और आपका ये ओपन हो जाएगा। चलिए, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। कोई भी फेक वीडियो नहीं, छोटी वीडियो है, फ्री में गाइस। हम कहते हैं कि जितना हो सके हम अपने ये हार्डवेयर टूल है, जो मोबाइल का हार्डवेयर स्कीमेटिक डायग्राम टूल है, एक्चुअल में है कि नहीं है, सारा कुछ हम यहाँ पे विद प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, सारा कुछ यहाँ पे इजी सेटअप में मैं यहाँ पे करता हूँ। कैसे रजिस्टर्ड करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे फाइनली ये कर देंगे यस। तो ये होने लगा, सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया गाइस। ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मैं आपके सामने प्रॉपर कर रहा हूँ लाइव। फिर इसे कैसे रजिस्टर्ड करते हैं मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, रजिस्टर्ड करना और एक्चुअल में ये फ्री में है कि नहीं। मेन मैटर ये है कि फ्री में है कि नहीं, देखते हैं कि कितने दिन का ये फ्री ट्रायल दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ इस टच स्कमेटिक सेटअप। तो ये जो स्कमेटिक डायग्राम है, टूल है, जो ये आपको हार्डवेयर में काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं। बाकी मैंने कई स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, बोर्नियो के ऊपर बनाया हुआ है, ये प्रैग्मा फिक्स के बारे में बता दूं, प्रैग्मा फिक्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, बेटर कौन सा है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ये तो दोनों पैड टूल है, अभी ये फ्री टूल है। तो चलिए, जो भी स्टेप है, इन चारों स्टेप को आपको करना है फॉलो। तो पहले फिलहाल मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अभी पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो जाहिर सी बात है आप सी में ही करोगे, तो मैं सी में ही कर दे रहा हूँ। उसके बाद कर देना इंस्टॉल, सिंपल और सिंपल। यहाँ पे बहुत इजी स्टेप है ये, आपके C++ विजुअल, ये आपके सिस्टम के हैं तो ये सिस्टम के भी आप चला दीजिए, जिसमें कि आपका ये सिस्टम का है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जैसे ही हो जाएगा, और इसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। और आई होप वीडियो अगर अच्छा लगेगा, तो अगर आपको ये टूल अगर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाता है गाइस, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो मैं सारा कुछ आपके सामने अभी प्रैक्टिकली तौर से कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड भी करूँगा यहाँ पे, और ये हो गया सक्सेसफुल। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे सेटअप हो रहा है इंस्टॉलेशंस, तो थोड़ा सा टाइम जो भी लग रहा है ये मैं आपके सामने इंस्टॉलेशंस प्रोसेस कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर अंदर जा करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि आपने इतने वीडियो देख रहे हो, मेरे यहाँ तक आ रहे हो, तो ये सेटअप जो है, ये टूल जो है, ये काम का है भी कि नहीं है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे लाइव देखेंगे गाइस। चलिए, तो अभी स्टेप बहुत इजी तरीके से स्टेप हो जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर देते हैं यहाँ पे, लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे। तो ये फिनिश हो चुका है यहाँ पे कम्प्लीटली तरीके से। तो देख सकते हैं बाहर एक आइकन आ चुका है, ये स्टेच स्कीमेटिक का, ये देख सकते हैं यहाँ पे बाहर आ गया आइकन। फिलहाल वहां पे हमने ओपन कर दिया था इसको, तो ये देखिए ओपन हो चुका है। ये इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पे रिमाइंड में करने आए, जब आपने आईडी पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, साइन इन का, रजिस्टर्ड का और चेक अपडेट। तो हमेशा आप चेक अपडेट कर लें, जिसमें आपको ये पता चले तो देखिए सही, योर सॉफ्टवेयर इज अपडेट टू, क्योंकि कभी अपडेट आएगा तो आपको ऐसे अपडेट होना। चलिए, तो फिलहाल पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, जैसे आप यहाँ पे अपना एक आईडी, जीमेल और एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, तो इस तरीके का एक मैसेज आ जाएगा, रजिस्टर्ड विद सक्सेसफुल, योर इज ऑल अकाउंट इज ऑलरेडी सक्सेस, यहाँ पे हो चुका है, रजिस्टर्ड वॉज सक्सेसफुल, योर अकाउंट इज ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाती है कि यहाँ पे आप देख सकते थे, जैसे कि अभी आप थोड़ा सा आएंगे तो इन्फॉर्मेशन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अभी जैसा कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन शो हो रहा था गाइस कि आपका कब तक रजिस्टर है। और मैं अभी आपको भी दिखाऊंगा कि ये जो हमारा, जैसे आप खोलते हो तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती थी कि ये कब से कब तक का है, बहुत ईजी तरीके से है यहाँ पे गाइस। ये अभी बिल्कुल ही फ्री है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे ये ओपन हो चुका है ये सेटअप, और कम्प्लीटली अब चलिए देख
देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो चलिए सबसे पहले है, चार ऑप्शन दिए गए हैं गाइज यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। तो ये चार ऑप्शंस के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल करने वाला हूँ। पहला जो ऑप्शन है गाइज, ये आपका हार्डवेयर सोल्यूशन है, कि जो आप जैसे आप पर बहुत सारे मॉडल अभी नहीं है, अभी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे चल रही है, मतलब अभी ये मॉडल्स एड कर सकते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर सोल्यूशन कुछ फोन देख लेते हैं अभी की और भी है कि नहीं है, तो अभी कुछ खास ऐसा नहीं है। तो फिलहाल ओप्पो A3s में अगर हम आ जाते हैं, ओप्पो A3s में आप देख सकते हैं इतने सारे सोल्यूशन यहाँ पे डले हुए हैं। अगर आप LED लाइट और LCD सेक्शन में अगर आप आते हैं, तो देखते हैं उनके पास क्या सोल्यूशन हैं और ये सोल्यूशन जो है वो हमारे काम के हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी सप्लाईयों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या हमारी सप्लाई होती है। मीपी की लाइन होती है, फिर हमारी टीरिंग रैंक रिसेट की लाइन, ये आप सारा देख सकते हैं। BSN BSP ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, VREG VPH पावर सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत क्लियर वाइज इन्होंने डाला हुआ है सब कुछ। तो ये तो हो गया गाइस हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो स्कीमेटिक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन है, स्मार्टफोन्स सोल्यूशंस हैं यहाँ पे, बाकी और भी मॉडल्स ऐड होने हैं। सोमी में भी देख सकते हैं, अभी कोई ज्यादा खास नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं, पर फिर भी जितना है उतना तो काफी है गाइज, ये अभी इतने फोनों पर काम कर रहे हैं। सैमसंग की बात करें तो कुछ मॉडल्स यहाँ पे हैं, रियलमी की बात करें तो सी थ्रू और भी कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पे। तो चलिए डायग्राम में आ जाते हैं, तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो के डायग्राम बहुत रेयर होते हैं, जल्दी आपको नहीं मिलते, पर फिर भी कुछ डायग्राम यहाँ पे है। LG, iPhone, ASUS और यहाँ पे Xiaomi। Xiaomi में अगर हम देख लेते हैं तो Xiaomi का कलेक्शन काफी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं Xiaomi के कई सारे डायग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक डायग्राम भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो एक लेटेस्ट कोई खोल लेता हूँ, Redmi Note 9 5G। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ और आ जाता हूँ PCB में आ जाता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल मैंने जब वहाँ पे खोला डायग्राम, तो बोलोगे सर ये डायग्राम कैसा है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा लेआउट है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेआउट है। इसको हम जूम कर लेंगे तो जूम में आपको पता चल जाएगी सारी चीजें। देख सकते हैं यहाँ पे सारे नंबर्स, कॉम्प्लेंट के नंबर, ये हमारा बेसिकली लेआउट होता है। लेआउट होने के बाद सिंपल सिंपल आपको साइड में यहाँ पे एक PDF ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस PDF पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो डायग्राम है वो आपका साइड में खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ। तो अगर आपको किसी सेक्शन में जाना है और किसी सेक्शन में जाने के बाद आपको ट्रेसिंग करनी है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस कनेक्टर को ही चला जाता हूँ और इस कनेक्टर को कर लेता हूँ ट्रेसिंग। देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक हमने कर दिया है यहाँ पे, तो ये डबल क्लिक का फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो गाइज आपको सिंपल मैनुअली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे J6400, ये देख सकते हैं J6400 यहाँ पे मैंने सर्च किया और सीधा सीधा हम अपने कनेक्टर पे पहुंच गए गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे कनेक्टर की ट्रेसिंग सब कुछ यहाँ पे, Redmi Note 10 जो कि बहुत ही बेस्ट है, फ्री में अगर आपको इतने सारे मिल रहे हैं गाइस तो अमेजिंग है गाइस, इतने सारे फ्री में डायग्राम सबको मिल रहे हैं तो काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको टैब भी खुल जाएंगे गाइस, जैसे कि आप टैब देख सकते हो कि अभी हमने ये खोला था, फिर ये खोला था, पूरा लेयर खुल जा रहा है यहाँ पे। और भी कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नोट 10, नोट 9 प्रो, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम आ जाते हैं हम गाइस विड मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं विड मैप भी दिया हुआ है, विड मैप तो भर भर के पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो के विड मैप, अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं वीवो के विड मैप, तो वाओ मतलब काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे एडेड हैं, Y83, Y91, Y91 कॉलकॉम, जैसे कि मैं यहाँ पे एक विड मैप भी आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे विड मैप खोला तो गाइस ये देख सकते हैं AB बोर्ड आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये भी बोर्ड आ गया यहाँ पे काफी सारे। आप इसको जूम करेंगे तो आप इसको लाइनों का सप्लाईयों का नॉलेज पता चल जाएगा कि कॉयल हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो IC आप देख सकते हैं यहाँ पे BQ BQ लगा हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, मेंशन हो जाएगा, जिससे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं गाइज यहाँ पे। और ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे PCB मल्टी मल्टी लेयर, आप सबसे मेन और मस्ट है कि गाइज यहाँ पे पहले मैं फिर से आपको रिलीज कर दे रहा हूँ फटाक से, छोटी सी वीडियो थी। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि ये 100% ये टूल फ्री में जो है, बहुत काम का टूल है फ्री में, फ्री के लिए तो बिलहाल बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट है। और ये आपको 1 साल के लिए कम्प्लीटली फ्री मिलता है गाइज, आगे चल के आपको ये बन जाएगा, पर फिलहाल ये 1 साल के लिए आपको फ्री मिल रहा है, 1 साल के बाद आपको चार्जेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे गाइज अगर मैं बात करूँ कि चलिए देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लेआउट और सिस्टम सारा खुल गया। तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर सोल्यूशन, फिर आपको स्कीमेटिक डायग्राम, फिर बिट मैप, और जो लास्ट का टैब है ये है लेयर्स। तो चलिए लेयर्स में देख लेते हैं कुछ फोन के कितने लेयर्स हैं। तो वीवो में अभी GT का है, वीवो की अगर बात करूँ X60 Pro, क्या बात है, मेरा 70 Pro है। और यहाँ पे Xiaomi की बात करें तो Xiaomi में आ गया Note 10। तो चलिए फिलहाल एक ही मॉडल है, तो मैं यहाँ पे ये जो टैब है बहुत अच्छा टैब है गाइज, मैं आपको अगर बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेयर्स, आप इनको फर्स्ट लेयर कितने 8 लेयर तक है यहाँ पे गाइज,
कौन सा सेक्शन, सपोज आपका यहाँ पे बैटरी कनेक्टर जो है अगर ये उखड़ जाता है, मतलब अगर ये उखड़ जाता है और इसको आपको स्क्रैच करके इसके लेयर को देखना चाहते हैं, तो ये पहली लेयर आप देख सकेंगे। जैसे आप पहले लेयर पे क्लिक करोगे यहाँ पे पहली लेयर आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आप कभी पतरा वतरा भी काटते हो और वो लाइनिंग में सी हो जाती है, तो गाइज ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, थर्ड लेयर की बात करूँ, फोर्थ लेयर, फाइव लेयर, सिक्स, एट, यहाँ पे देख सकते हैं एट लेयर, सारी लेयर आपको एक एक लेयर आपको दिखाई दे जाएगी। कनेक्टर के नीचे क्या क्या लेयर है वो आपको दिखाई दे जाएगी गाइस। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या ग्राउंड है क्या नहीं है सारा कुछ यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये सिक्स लेयर, एट लेयर, अगर केवल आपको एट लेयर देखना है तो सारे को आप कॉन्टेक्ट कर दो और आप एट लेयर देख सकते हैं कि एट लेयर कहाँ कहाँ पे गया हुआ है। नीचे इंटरनली आपको लेयर देखने को मिल जाएंगे, फाइव लेयर्स, टू लेयर्स, यहाँ पे सारा कुछ, जो कि बहुत ही अच्छा लगा गाइज। ये जो अपडेट है, आगे चल के जो भी अपडेट होगा इसमें बहुत ही मजा आने वाला है गाइज। तो वीडियो ये आपको समझ में आया होगा, अगर ये अच्छा लगा है आप भी कमेंट करके जरूर बताया करिए गाइज कि ये आप में काम कर रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम उसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि हमने हार्डवेयर सोल्यूशन को देखा, यहाँ पे आपने देखा डायग्राम को भी देखा, यहाँ पे आपने विड मैप को भी देखा, और यहाँ आपने देखा गाइज लेयर्स को भी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। फ्री में डायग्राम था जो कि मैंने आपके सामने लाइव प्रूफ आपको दिखाया कैसे रजिस्टर करना है, कैसे डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।